वहां दरवाजे पर क्या है? अरे बता ना, क्या बता रहा था? बता। मैं कह रहा था कि करण, कार्तिक बेटा जल्दी नीचे आओ, देखो शायद मेहमान आ गए हैं। लगता है कुछ और मेहमान आ गए, चलिए चलकर देखते हैं। चलिए। की बहुत शुक्रिया जो आप लोग आ गए। अरे कंचन, तेरी हवेली तो बहुत खूबसूरत है, चलो अंदर चलते हैं। सभी बातें यही करनी है क्या? चलो चलो चलो, चलो, चलो। जी आया दीदी। इनके कमरे में इनके बैग्स रखवा दो। जी बिल्कुल। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये पिंकी के मामा जी है। हाय मामा जी। हाय। और ये मामी जी है ना, तुझे कैसे पता चला? देखकर ही पता लगता है, दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे दो जिस्म और एक जान। और मामी जी सच में हाथ दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। जीती। खुश रहो। कितने संस्कारी है। लेकिन इनमें तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। छोटा हो या बड़ा, सबको हाय हाय करते फिरते। मामा जी मामी जी, आप इसके पैर छूने से ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये तो पैर इसलिए छू रही है ताकि खुद को हम सबसे बेटर साबित कर सके। एक मिनट रुकिए, मैं इसकी बैग खोल के दिखाती हूँ, सारी की सारी असलियत सामने आ जाएगी। ए, मेरा बैग। ए, 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 बाकी सबसे भी मिल लो। ये गुड्डी दीदी है। हाय। ये मेरी बुआ और फूफा जी। हाय। हाय फूफा जी। नमस्ते। चलो। और ये पिंकी की मम्मी और मेरी ताई जी। हेलो ताई जी। नमस्ते।
जाओ पिंकी और सुमन से मिलवा। अरे हाँ सुमन कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। चलो 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 कम ऑन चले। बाय मामा जी। कहाँ रह गए? आ गया। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, ये देखो ना, राम 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 राम। सीता जी के इस देश में ये ऐसी अंग्रेजी लड़कियों को जब कमर हिलाते देखता हूँ ना तो बहुत दर्द होता है। ओहो हो, वो दर्द तो मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, वो कहती हाय और मेरा दिल कहता है हाय, रोना आता है मुझे। हाँ वो मुझे पता चल रहा है। अरे नहीं, मत, मत, मत। क्या कर रही है? छुपकर कोई क्या करता है जो दिखा कर न कर सके। सुमन दरवाजा खोलो। सुमन निकल जा। अरे क्या कर रही है? हाय सुमन। हाय। आ गए तुम लोग, अंदर आओ। सुमन कैसी है तू? हम ठीक हैं। अच्छा तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? नहीं तो। अरे अंधी, तुझे उसका चेहरा लटका हुआ दिखाई देता है? शादी के घर में खा खा के मोटी हो गई है। ए, तू चुप कर, समझती नहीं है कुछ? तुम लोग अपना सोचो, तो तुम भी शादी वाले घर में हो और तुम्हें भी शादी का खाना खाना है। अच्छा अच्छा। अरे कंचन, माँ कहाँ है? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा है और इस माँ को तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए सारा काम छोड़कर तुमसे मिलने चली आई। कैसे हो? हेलो आंटी। जीती रहो। और बताओ सफर कैसा रहा? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं आंटी, हम खूब मजे से आए। चलो अच्छा हुआ। अरे कोई मुझे भी तो मिलवाओ इन लड़कियों से। हाँ हाँ दादी। हाँ। ये सब मेरी कॉलेज की सहेलियाँ हैं। हाय दादी। हाय। अरे हेलो हेलो। दीदी मजा आया? कादंबरी, इन लड़कियों के शोर शराबे से अब लग रहा है कि शादी सर पे है। हाँ वो तो है। हाँ दादी आप बस देखती जाओ। अरे मस्ती करेंगे, धूम मचा देंगे हम लोग। बाजी सुनेंगे तो आ जाएंगे। ओफो, तुम भी उन्हें कहाँ हम लड़कियों के बीच में ले आई। अच्छा अच्छा बच्चों, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। ये हैंडसम बॉयज कौन है? तुम्हें मिलवाया नहीं इनसे? ये तुम लोगों के भाई है। अच्छा तो ये तेरे भाई हैं? चलो तुम लोगों को मिलवाती हूँ। कार्तिक भैया। चलो चलो। Thank you.
कार्तिक भैया हैं। हेलो। हाय। इनसे छोटे और मुझसे बड़े करण भैया। हेलो। हेलो। और भैया ये मेरी सहेलियां हैं। हाय, देखो तो कितना टॉल है ना, और ब्लू शर्ट में और भी माचो लग रहा है। भैया छोटे वाले को देख कितना चौपी लग रहा है। हाय अल्लाह, मैं तो मर गई। क्या डैशिंग पर्सनालिटी है दोनों की। मैं सोचती हूँ कि किसे चुनूं। हम जरा एक मिनट में आते हैं। क्यों बन गए ना सब स्टैच्यू? नहीं वो गए ना इसलिए। मेरे भाई हैं ही इतने स्मार्ट, आखिर भाई किसके हैं? स्मार्ट तो होंगे ही ना। प्लीज कंचन इतना भाव भी मत खा, वैसे इतने भी स्मार्ट नहीं है तेरे भाई। अच्छा, इसीलिए तुम लोग उनको देखकर खाना पीना भूल गई। अरे हाँ रे, हमें तो कितनी भूख लगी थी। चलो 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 किचन की तरफ चलते हैं। हाँ चलो खाना खाते। कम ऑन। मालिक ये लीजिए, ये मां जी ने आपके खाने के लिए दिया है। माता जी धन्यवाद, माता जी जिंदाबाद। सचमुच बहुत जोर की भूख लगी थी श्याम बहादुर। मालिक मालिक आप यहां मत खाइए, अगर दादाजी ने आपको मेरे साथ यहां देख लिया तो मुझे भी कच्चा चबा जाएंगे वो। यहां बैठे थक गई मैं तो करण को ढूंढ ढूंढ के। गुड्डी तू ही जाके देखना करण कहां है, उसे बोल टीवी रिपेयर करना है। अरे गुड्डी काम छोड़ और जाके टीवी ठीक करवा, और केबल भी चेक कर लेना। हाँ जी दादी, अभी करवाती हूँ। हाँ। कब से राह देख रही थी इस शो की। करण ये कंकर, ये खामोशी तेरी उदासी को कम नहीं करेंगे करण, बल्कि और बढ़ा देंगे। पता क्या बस आने वाला था छत पर, उसी बात से इतना परेशान है ना।
सुमन? वो मैं करण को ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं तो हमें नहीं पता। नहीं, वो मुझे लगा शायद तुम्हें बता के गया हो। उदास कहाँ हूँ मैं तो बस श्यामली के बारे में सोच रहा था। मुझे उसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, बस जरा सा रंगी तो डाला था उसने। बिना बात के बेचारी का दिल दुखा दिया मैंने। तो ये बात है, तू श्यामली से प्यार करता है क्या? नहीं भैया, श्यामली से प्यार मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो किससे प्यार करता है? अरे कौन है वो खुशनसीब लड़की जिससे मेरा भाई प्यार करता है? करण, प्यार जो होता है ना वो फूलों की खुशबू सा होता है, कोई कितना भी इसे छुपाना चाहे वो छुपता ही नहीं। मैं तेरी आंखों में ये प्यार साफ साफ देख सकता हूँ। अरे पता ना कौन है वो लकी गर्ल? एक बात पूछे, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? पूछो ना। क्या तुम करण से प्यार करती हो? क्या तुम करण से प्यार करती हो? करण से प्यार करती हो? करण से प्यार करती हो? करण से प्यार करती हो?